माय नेम इज ध्रुवी मेहता। मैं एक अच्छा सिंगर हूँ और बहुत सारे उस्तादों से मैंने ट्रेनिंग भी ली है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, दादियों का आशीर्वाद मिला। मैं बहुत लकी हूँ कि शिवानी दीदी का सपोर्ट है, दादी रतन मोहिनी जी का आशीर्वाद मिला, वो भी मुझे लाइक करते हैं और मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही शांति का अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि ये शांति का एक स्तंभ है और यहाँ पे जो भी मतलब ईश्वरीय अनुभूति होती है और यहाँ के पूरे वाइब्रेशन अलग रहते हैं। अमृत वेला के वाइब्रेशन भी बहुत अच्छे रहते हैं, तो यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा है। और जो भाग्यशाली आत्मा होगी वही यहाँ तक पहुँच सकती है, मेरा मानना ऐसा है। हाँ, मेडिटेशन को लेकर मुझे बहुत हेल्थ में भी मदद किया। मेरा हेल्थ की वजह से मेरा गला काफ़ी खराब रहने लगा है, गले में सूजन रहने लगे, तो वो भी मेरा गला भी ठीक होने लगा है। और बाबा का सॉन्ग भी मैंने 2-3 गाया है, प्रोग्राम किया हर जगह, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसमें आके मुझे ब्रह्म कुमारी इसमें आके एक अलग सा वाइब्रेशन, एक हिम्मत मिली है और बहुत अच्छा महसूस भी हो रहा है। वाइब्रेशन अलग रहते हैं यहाँ के और ज्ञान मिला है, संस्कार अलग मिले हैं। चलो प्रोग्राम में मैंने एक प्रोग्राम किया है छोटा सा और मुझे अवार्ड दे के सम्मानित भी किया गया है, तो उसमें मैंने एक बाबा का योग सॉन्ग गाया था जो मैं 2 लाइन आपको सुना रही हूँ। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था देख संगम का आनंद, हर गम चला गया मिला मीठा परिवार, ये एहसास हो चला देख संगम का आनंद, हर गम चला गया मिला मीठा परिवार, ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। यहाँ पे आके लोगों को पूरा नया जीवन मिलता है, पूरा नया जीवन दान मिलता है, तो मुझे तो मैं बाबा के लिए मुझे मेरे मन में जो भी है वो बहुत ही अच्छा मैं करूँ। और लोगों के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई गलत इंटरेस्ट ना दे, क्योंकि ये एक भूमि है और बहुत भाग्यशाली भूमि है जहाँ भाग्यशाली आत्माएं आ सकती है।